एक शख्स दो बिल्डिंगों के दरमियान एक रस्सी डाले हुए था और उस तनी हुई रस्सी पे चलते हुए दूसरी बिल्डिंग तक जा रहा था लोगों ने जब ये सड़क से मंजर देखा तो लोग दम सादे उसे देखने लगे और बहुत से लोग जमा होते गए उस शख़्स ने कंधे पे अपना बच्चा भी बिठा रखा था और बड़ी ही महारत के साथ उस तनी हुई रस्सी के ऊपर चलते हुए जा रहा था लोगों का गुमान था कि ये अभी गिरा कि अभी गिरा खैर वो शख्स दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच गया और फिर उसने लोगों से पूछा मतलब लोगों ने उसे दाद दी तालियां बजाई बहुत ज़्यादा और उसने लोगों से पूछा कि क्या आपको लगता है कि मैं दोबारा से ये कर सकता हूँ तो सब लोग यक जुबान होकर बोले यस आप कर सकते हो हमें यकीन है और बल्कि हम आप पे शर्त लगाने के लिए बेट लगाने के लिए भी तैयार हैं खैर उस उसने जब उनके यकीन देखा तो उसने कहा कि ठीक है मैं एक बार इसे फिर दोहराऊंगा सभी लोगों ने तालियां बजाई धात दी और उसने कहा कि लेकिन इस बार मेरे कांधे पे बच्चा आप में से जो लोग मुझ पे यकीन कर रहे हैं उनमें से किसी एक का होगा कौन है जो मुझे अपना बच्चा दे कि मैं कंधे पे रख के इस बिल्डिंग से दोबारा दूसरी बिल्डिंग तक इस तनी हुई रस्सी के रास्ते से जा सकू तो इस बात पर सब लोग खामोश हो गए और किसी ने भी इस बात के लिए हामी न भरी तब उस शख़्स ने बोल के उनको बताया कि यकीन करना एक अलग बात है और भरोसा करना एक अलग बात और इसी तरह लोगों का अल्लाह की ज़ात पे यकीन होना एक अलग बात है लेकिन भरोसा करना इसमें हम अक्सर नाकाम हैं मसला ये होता है कि जब हमें भरोसा करने का टाइम आता है तो हम दोबारा से बदगुमानी में आ जाते हैं जैसे उस लोग उस शख़्स के लिए बदगुमान थे कि ये अभी घिर जाएगा तो हमारा भरोसा जो है हमें अल्लाह पे करने की जरूरत है ताकि हम सक्सेसफुल हो सकें यकीन करना ये एक अलग बात है यकीन अहले किताब को भी अल्लाह ही पे है और बहुत सारे काफिरों को भी इस बात का यकीन है कि सब कुछ करने वाला एक ही मबूोद है